स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मेरी कॉफी और ब्रेकफास्ट में आज मैं ग्रिल सैंडविच खाऊंगा। जाओ कॉफी लेकर आओ। क्या वो लेकर आओ। सॉरी मामी, अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं पार्टनर, मैं इसी में ब्रेकफास्ट रेडी कर दूंगी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके, क्या कर रही हूँ मानी? गिर जाए आराम से। विराट, तो जीजू का दिया वो गिफ्ट है ना, हम इसे क्यों रखें? अरे जब दोनों भाइयों के बीच में इतनी लड़ाई हुई है, दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, नजरें भी नहीं मिला रहे, तो ये गिफ्ट रखना हमारी इंसल्ट होगी ना विराट। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, गिफ्ट लौटा देती हूँ। ना रहेगा गिटार और ना बजेगी धूप। अरे मानवी रहने दो। अरे क्यों रहने दो विराट, ये तुम्हारे भाई का दिया हुआ तोहफा है, तुम इसे अपने पास कैसे रख सकते हो? जब जब कल को तुम सुपरस्टार बन जाओगे, वो तो ऑब्वियसली बनोगे, और तुम्हारे भाई जब सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ये क्लेम करेंगे कि अरे विराट तो मेरा दिया हुआ गिटार बजा के इतना बड़ा सुपरस्टार बना, अच्छा लगेगा तुम्हें क्या? नहीं विराट, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये गिटार वापस करने जा रही हूँ, हम ये गिटार नहीं रखते। अभी ये गिफ्ट लौटाना सही नहीं है, एक गलती मैं पहले ही कर चुका हूँ, इस गिटार को एक्सेप्ट करके दूसरी गलती नहीं करना चाहता। विराट इसमें कुछ गलत नहीं है, हम ये गिटार नहीं रख सकते। बाय बाय गिटार। नहीं मान, वैसे भी अगर हम ये गिटार वापस करेंगे तो भाई को बुरा लगेगा। अरे अभी तो इतनी घमासान लड़ाई हुई तुम्हारी, और अभी से अपने भाई के लिए इतनी फिक्र। देखो विराट, लड़ाई हुई है तो खुल के करो, ओपन वॉर। ये गिटार वापस कर दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं मान, छोड़। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम विराट, मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी। तुम बाहर से भले ही जीजू से कितना भी गुस्सा, पर अंदर से अभी भी बहुत सारा प्यार छुपा है विराट। ऐसे कुछ नहीं मान, मैं तो बस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस गिटार की वजह से मेरे और भाई की दुनिया कम हो जाएंगी, तो ठीक है, ये लो वापस कर दो। वो तो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से साफ झलक रहा है विराट, जीजू के लिए आज भी तुम्हारे दिल में उतनी ही तड़प है, उतना ही दर्द है जितना मेरे अंदर अपनी दी के लिए। रात हो गई, आउट हाउस की लाइट अभी भी चल रही है, लगता है मानवी और विराट अभी तक सोए नहीं, जरूर कमरे की सफाई कर रहे होंगे। काश मैं जाकर उनकी मदद कर पाती।
मानवी क्या कर रही हो? आ जाओ सो जाओ। हाय विराट। जीविका रात काफी होगी, सो जा। अरे बहू रानी आप? श्याम काका, हमारा जो आउट हाउस है ना, वहाँ पे आज से रोज आप 1 लीटर दूध दे देंगे, पैसे मैं आपको दे दूंगी। जी बहू रानी, हमारा तो काम यही है। चलते। जी काका। जीविका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा ये जेस्चर विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, फिर भी तुम बुआजी, I'm sorry, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं जानती हूँ सुबह उठती मानवी को चाय की आदत है और विराट को दूध वाली कॉफी पसंद है और आउट हाउस में It's okay, Jivika. Manvi, meri coffee. और ब्रेकफास्ट में आज मैं ग्रिल सैंडविच खाऊंगा। जाओ कॉफी लेकर आओ। क्या वो लेकर आओ? मैं देखती। अरे बाबूजी, बीवी जी, आप लोग यहाँ आउट हाउस में? वो मैं दूध लेकर आया था, लेकिन हमने कोई दूध का ऑर्डर नहीं किया। हाँ, वो आपकी भाभी है ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि रोज 1 लीटर दूध यहाँ आउट हाउस में देने को। देखिए, उनसे कहिएगा कि हमने दूध लेने से मना कर दिया। जी साहब। जी दुकानें खुल गई होंगी, मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेकर आता। जी आइए ना। नहीं मैडम, मैं जरा पड़ोस के शर्मा जी के घर से होके आता हूँ। पर दादाजी, नाश्ता तो करके जाइए। बेटा, मुझे भूख नहीं है। बुआ जी, माँ, वो ब्रेकफास्ट रेडी है। जीविका,
आज मेरा उपवास है। जीविका, हमारा मन नहीं, हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, प्लीज। जीविका भाभी, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दीजिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। चल चलो, चल। अरे प्रेम जी, आइए ना, नाश्ता कीजिए। काम है, मैं आ रहा हूं। जीविका भाभी, वो विराट भैया और मानव भाभी ने नाश्ता किया कि नहीं? पता नहीं श्लोको, अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं नाश्ता कैसे कर सकता हूँ? मैं भी जा रहा हूँ, बाय। अरे अरे श्लोको, सॉरी मामी, अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, काम खिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं पार्टनर, मैं इसी में ब्रेकफास्ट रेडी कर दूंगी। मैं तुम्हारी हेल्प करूं, ओके? Is ready. Hello, juice is ready. Chalo. अरे यहाँ पर तो टेबल कुर्सी नहीं है, कहाँ बैठेंगे? ओफो विराट, ये टेबल और कुर्सी फिरंग स्टाइल है। अब हम लोग हिंदुस्तानी है तो हमारा स्टाइल भी हिंदुस्तानी होना चाहिए, नहीं? Yes, right boss. चलो। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हो गया ना, अभी घर बैठे बैठे पिकनिक का मजा। अब ये मेरा सैंडविच, ये तुम्हारा सैंडविच। शॉन, मैं बाहर काम के लिए जा रहा हूँ, तुम आराम करना। ऑल द बेस्ट विराट। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।